शुरू करें। शुरू कर दीजिए। नमः ओम रिं नमो अरहंता, ओम रिं नमो सिद्धा, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसिं पढ़मं हवई मंगल पढ़मं हवई। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। सूरत से डॉक्टर बिमल जी राठी एक विशेष अभियान चालू किया है उन्होंने, हेल्दी हमेशा। हेल्दी हमेशा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जागृति फैलाने के लिए, जन जन में जागृति फैलाने के लिए उन्होंने ये अभियान प्रारंभ किया है। और हम नागपुर से महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र की द्वारा पिछले 9 सालों से फिटनेस ध्यान योगा आदि की क्लासें निशुल्क चला रहे हैं। तो डॉक्टर राठी जी का और हमारा लक्ष्य एक है, मकसद एक है, इसीलिए हम भी आज उनके साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने के लिए प्रोग्राम संयुक्त रूप से प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलेगी, फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलेगी, और इसी फिटनेस और जागरूकता मुद्रा विज्ञान एक विशेष प्रयोग पद्धति है। मुद्रा विज्ञान क्या है, कैसे मुद्राओं का असर हमारे शरीर में होता है, इसके लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मुंबई से जाने माने मुद्रा विशेषज्ञ, प्रेक्षा प्रशिक्षक, जीवन विज्ञान प्रशिक्षक, रंग चिकित्सक, क्या क्या कहूँ, कितनी ज्ञान से धनी, अरे ज्ञान के धनी पारसमल जी दुगड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये भी मुंबई में बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं प्रेक्षा ध्यान और योगा का प्रचार प्रसार करने हेतु, पिछले 23 सालों से क्लासें चला रहे हैं। तो इनका संक्षिप्त परिचय देते हुए इनको आमंत्रित करने के लिए मैं अलका जी शाखला को निवेदन करूंगा। अलका जी पारस जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें जय जिनेन्द्र अंतस्त विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री जी के चरणों में मेरी भावभंदी वंदना। कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई और बहनों, आनंद भाई जी ने अभी आप हमें बता दिया है कि उनका उद्देश्य क्या है और उनके उद्देश्य के साथ जो जुड़ते हैं उनको साथ लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमारे आज के विशेष वक्ता जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, पुरस्कार और सम्मान की लंबी तालिका इनके व्यक्तित्व का एक भाग ही है, इनका संक्षिप्त में परिचय देना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। परंतु हम जानते हैं कि कुछ व्यक्ति है जो परिचय के मोहताज होते ही नहीं है। वैसे पारस जी का परिचय देने की अपेक्षा ही नहीं है क्योंकि हर कोई उन्हें जानता है, इतने सारे पुरस्कार और इतने सारे सम्मान पाए हैं। तो अभी हेल्दी हमेशा इस कार्यक्रम में पता नहीं कितने हीरे जुड़े हुए हैं, ये कौन सा अलंकरण बनेगा मुझे पता नहीं, परंतु जो अनेक हीरे जुड़े उसमें से एक हीरा है पारस मस्जिद उखड़। इनकी तो अपनी विशेषताएं हैं,
कार्यक्रम तो बहुत लोग करते हैं, हम भी करते हैं, सारे लोग कार्यक्रम करते हैं, परंतु कार्यक्रम में किसी की एक विशेषताएं होती है और पारसमल जी की विशेषता ये है कि उनका लंबा अनुभव, एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ उनकी विशेषता मुझे ये लगी कि वो केवल एक्सरसाइज नहीं बताते, केवल मुद्रा नहीं बताते, केवल रंग की जानकारी नहीं देते, तो इस ज्ञान के साथ पूरा विज्ञान जोड़ के हमें समझाते हैं, तो हमारे दिमाग खुल जाते हैं और वो ज्ञान अच्छी तरह से हमारे अंदर उतर जाता है। ऐसे पारसमल जी कितने कार्यक्रम किए हैं और कितने संस्थाओं से जुड़े हैं, अगर मैं केवल नाम लेने जाऊंगी तो पूरा कार्यक्रम ही हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही बताऊंगी कि अनेक संस्थाओं से जुड़े, अनेक पुरस्कार से सम्मानित, और इनका सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा काम यह है कि इनकी सुंदर पुस्तिका, इनका सब कुछ आ जाता है एक पुस्तक में, पारसमल जी तुकड़ की सुप्रसिद्ध पुस्तक जो बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है और हर एक कोई उसका क्रेजी है, वो है असाध्य रोगों का अचूक इलाज। असाध्य रोगों का अचूक इलाज वो भी किस द्वारा? मुद्रा और रंगों के द्वारा। तो ये अहिंसक चिकित्सा की एक अद्भुत चमत्कारिक पुस्तक जो पारसमल जी दुग्गड़ वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक 5-5 केंद्र मुंबई में चलाते हैं और 25 साल से फ्री ऑफ सेवा में अपनी चार सेवा देते हैं, और सबसे विशेष बात यह है कि नॉन स्टॉप 365 दिवस काम करते ही रहते हैं। तो अंत में मैं उनके नाम के शब्दों के साथ उनका परिचय संक्षेप में पूरा करूंगी। अब हमारे साथ विमल जी भी जुड़ेंगे तो बड़ी मजा आएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों के साथ बहुत कुछ मिलता है। तो पारसमल शब्द है, 5 शब्द है पारसमल। पहला शब्द है पाया है गुरुदेव का आशीर्वाद, जिन्होंने पाया है गुरुदेव का आशीर्वाद। रम जाते हैं ज्ञान बांटने में हमेशा, रम जाते हैं ज्ञान बांटने में हमेशा। सो सबका सबको सुख शांति और स्वार्थ का मार्ग बताते हैं प्रेक्षा ध्यान योग मुद्रा और रंग के द्वारा। मन से सबको जोड़ते हैं, जुड़ाना चाहते हैं और खुद भी जुड़ जाते हैं। लक्ष्य इनका एक ही है ज्ञान बांटना, सेवा करना। विमल ऐसा साथ पत्नी ने दिया इतने दिन, विमल ऐसा साथ दे रहे हैं अभी डॉक्टर विमल जी, और आनंद बांटने के लिए आनंद इनके साथ जुड़े हैं, और इसके साथ अलख जगाने मुझे परिचय देने का जो मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे एक व्यक्तित्व जो दिखने में सीधे साधे सिंपल परंतु ज्ञान का भंडार, ऐसे पारसमल जी, पारस का अर्थ जानते हैं, जिसको लोखंड को लगेगा तो वो सोना बन जाता है, ऐसे पारस का स्पर्श अगर हमारा हो जाएगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थमय बन जाएगा, तो सभी स्वस्थ बने, इसीलिए पारस जी मुद्रा और रंगों के द्वारा हमें मार्गदर्शन करे, इसीलिए मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ मुंबई से आज हमसे जुड़े हुए वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक मुद्रा रंगों के विशेषज्ञ पारसमल जी दुग्गड़। आइए और आपके ज्ञान से हम सबको लाभान्वित कीजिए, हम सब आपको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक है। तो आइए पारसमल जी दुग्गड़। अलका जी, हाँ जी, एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा मैं। बिल्कुल। आ था अनाहत चक्र किसका जागृत होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण पारसमल जी जिनका अनाहत चक्र जागृत हो चुका है। वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आनंद जी। साधना के सर्वोच्च शिखर को सत सत नमन, साधना के सर्वोच्च शिखर को सत सत प्रणाम, प्रज्ञा के विशाल समंदर को सत सत प्रणाम। सूरज सा तेज लिए, चांद सी शीतलता लिए, ऐसे महाप्रज्ञ के यशस्वी पटदर आचार्य श्री महाश्रवण जी को सत सत प्रणाम, सत सत नमन। हेल्दी हमेशा, फिट इंडिया हिट इंडिया के फाउंडर आदरणीय राठी जी, महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र नागपुर के संचालक आनंद जी, आदरणीय श्रीमती अलका जी एवं उपस्थित सभी एमएस स्पेशल एम्बेसडर,
हेल्थ चैनल पार्टनर को मेरा आत्मभाव से सादर जय जिनेन्द्र, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डायरेक्ट बिना किसी भूमिका के विषय पर आ रहा हूँ। वर्तमान समय में रोग सुरसा की जीवा की तरफ फैलते जा रहे हैं। अनेक चिकित्सा पद्धतियों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में हमें एक ही चीज नजर आती, प्रकृति शरणम गच्छामि। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियम के अनुसार चलती है। मनुष्य भी प्रकृति का एक अंग है। मनुष्य का जीवन भी प्रकृति के नियम के अनुसार चलना चाहिए। अनेक लोगों का ये मानना है, उनका ये कहना है कि रोग बहुत पुराने हो गए, अब ठीक नहीं हो सकते हैं, रोग लाइलाज हो गए। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, विशेषज्ञों के अनुसार, एक्सपर्ट के अनुसार और प्राकृतिक चिकित्सकों के अनुसार कोई भी बीमारी का इलाज हम आराम से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं और स्वयं का इलाज स्वयं हमारे पास है। जैसे अगर हमारी स्किन में कोई सुई धस जाए तो उसको हम कभी भी निकाल सकते हैं। गटर में, पाइप में अगर कचरा जम जाए तो उसको साफ कर सकते हैं। नदी में बालू के टीले जम जाए उनको हटा सकते हैं। कीचड़ का मिसाल इकट्ठा किया हुआ कीचड़ पड़ा हुआ उसको हम साइड में हटा सकते हैं। यहाँ तक सोचिए, आपने 10 साल पहले किसी रस्सी में गांठे लगाई है, उसको कभी भी उन गांठों को खोल सकते हैं। उसी तरह इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने व्यक्तियों को कई समस्याओं से ग्रस्त कर दिया है, इससे कोई अछूता नहीं है। ऐसे में मुद्रा विज्ञान चिकित्सा इसके लिए विशेष उपयोगी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा संक्षिप्त में, जो समय की अपनी मर्यादा है, इंसान बीमार क्यों होता है। एक तो पैसे की अंधी दौड़ में वह इतना तीव्र गति से भाग रहा है, कहां जाकर रुकेगा किसी को मालूम नहीं। आकाश जितनी उसकी असीमित इच्छाएं, अस्त व्यस्त जीवन शैली, नेगेटिविटी, नकारात्मक विचारधारा और अनियमित जीवन शैली, ये रोग के कारण है, बीमार होने के कारण है। ये सब होने से क्या होता है, अगर इसका डेफिनेशन करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। जब मन अशांत होता है, जब हम अधिक सोचने लगते हैं तो हमारे श्वास की गति बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और हम अनइजीनेस फीलिंग करते हैं, जिससे हमारे शरीर में प्राण का संतुलन बिगड़ जाता है। और प्राण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका 5 तत्व निभाते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्व से ज्ञानियों ने कहा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है उसी तरह हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। जब इस ब्रह्मांड में तत्वों की घटाबड़ी होती है तो कहीं आंधी आती है, कहीं तूफान आता है, कहीं सुनामी लहरें आती है, कहीं भूकंप आता है। उसी तरह हमारे शरीर में जब इन तत्वों की घटाबड़ी हो जाती है तो हम रोग ग्रस्त हो जाते हैं। पुनः संतुलन स्थापित करने के बाद हम निरोगी बन जाते हैं। वैसे आसन प्रेक्षा ध्यान के 4 सहायक अंग है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का अनुसंधान किया, बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, इसके 8 मुख्य अंग, 4 सहायक अंग के बारे में बताना चाहूंगा। आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। आसन और प्राणायाम के बारे में सब लोग जानते हैं क्योंकि जगह जगह योगा के केंद्र चलते हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मुद्रा योग का एक सूक्ष्म अंग होते हुए भी अनेक ऋषियों ने अपनी पुस्तकों में उसका उल्लेख किया, इसके बावजूद भी इससे अनेकों लोग अनभिज्ञ हैं। बल्कि मुद्राओं से ऐसा परिवर्तन होता है जो विज्ञान के द्वारा संभव नहीं है, वो मुद्राओं के द्वारा संभव होता है। तो मुद्राएं अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित तौर से हमें अजब गजब का लाभ मिलेगा, अकल्पनीय लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आजकल हर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है, उसके पास बिल्कुल समय नहीं है योगा करें, प्राणायाम करें या कुछ करें, क्योंकि या तो वह टीवी देखने में व्यस्त है और रही गई गसा आजकल मोबाइल, पूरे दिन लोग मोबाइल पे इतने बिजी रहते हैं, बच्चे लोग मोबाइल पे बैठे रहते हैं और घर में मेहमान आ गए, हम कहेंगे बेटा मामा आए, तो बच्चा बोलेगा हाँ मामा जी आ गए, इतने व्यस्त है। तो इससे अस्त व्यस्त हो गए तो
तो ऐसे में ये मुद्रा विज्ञान चिकित्सा व्यक्ति कभी भी कर सकता है। टीवी देखते देखते, चलते फिरते, उठते बैठते, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, कहीं भी यह मुद्राएं कर सकता है। और मुद्रा करते ही मुद्रा तुरंत अपना असर दिखाती है। दो लाइन में बताना चाहूंगा, जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां सब समस्याओं को दवा देती है, जो अहिंसात्मक चिकित्सा को अपनाता है वह समस्याओं को जड़ से खत्म करता है, समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। तो आइए हम विषय पर आते हैं। हमारे हाथों की पांच अंगुलियां पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठिका जल। इन पांचों अंगुलियों से विज्ञान के अनुसार भी अलग अलग तरह की विद्युत धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। अब हमारे शरीर में तत्व असंतुलित हो गए हो तो उसको संतुलित करने के लिए अंगूठे के अग्रभाग को अंगुली के अग्रभाग से लगाते हैं। अब तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गए हो, लिमिट से ज्यादा, तो अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के मूल भाग पर, यहाँ जो हड्डी है यहाँ पर लगाते हैं। जैसे ही हम मुद्रा करते हैं ये मुद्राएं अपना काम स्टार्ट कर देती है। भले हमें मुद्राओं में विश्वास नहीं है लेकिन मुद्रा अपना काम स्टार्ट कर देती है। कुछ नियम बताना चाहूंगा, मुद्रा हमेशा दोनों हाथों से करना चाहिए। अगर राइट हैंड से करते हैं तो लेफ्ट अंग प्रभावित होता है और लेफ्ट से करते हैं तो राइट अंग प्रभावित होता है। मुद्रा की समय सीमा 45 मिनट। अगर एक साथ हम 45 मिनट करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर 45 मिनट हमारे पास नहीं हो तो 15-15 मिनट हम तीन बार करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। लाभ में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। यदि आपका कोई भी ट्रीटमेंट चालू है, एलोपैथी वगैरह, और उसके साथ अगर मुद्रा करेंगे तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। खाना खाने के एक घंटे बाद मुद्रा करना चाहिए। वायु मुद्रा और अपान वायु मुद्रा तुरंत कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसी है जिसे इमरजेंसी मुद्रा कहते हैं, उसे तत्काल फायदा होता है। जैसे अपान वायु मुद्रा हार्ट अटैक के समय अगर की जाए तो व्यक्ति मौत के मुंह से बच जाता है। शून्य मुद्रा, कान में भयंकर दर्द हो रहा हो, अगर शून्य मुद्रा कोई कर लेता है तो 5 मिनट में कान के दर्द में आराम पड़ना शुरू हो जाता है। तो कई तरह की मुद्राएं हैं, तो हम मुद्राओं के ऊपर चर्चा करेंगे। विषय इतना विशाल है तो उसको हम डायरेक्ट अब विषय पे आएंगे तो आप लोग समझ पाएंगे किसका इलाज कैसे करें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान में दो मुद्राओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, आप सब जानते हैं। पहली ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सहज तीनों उंगलियां सीधी। दूसरी है ध्यान मुद्रा, वितराग मुद्रा, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित, बाएं हथेली नीचे और दाएं हथेली ऊपर। तो हम ज्ञान मुद्रा की चर्चा करते हैं। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सहज तीनों उंगलियां सीधी और दोनों हाथ आप थाई पर रख दीजिए आराम से बैठे हुए कंफर्टेबल। ये मुद्रा करने से हमारा जो मस्तिष्क में विचारों का सिलसिला चलता है वो रुक जाता है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। ये मुद्रा करते ही हमें ये अंगूठे पर नाड़ी स्पंदन महसूस होने लगते हैं। आप चेक करिए सब लोग, यहाँ पर नाड़ी जैसे हृदय धड़कता है वैसा यहाँ नाड़ी का स्पंदन होगा, जिससे हमारा मन यहाँ पर टिक जाता है तो ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। दूसरी बात, मस्तिष्क संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है इसे पूरे मस्तिष्क का स्नायु मंडल प्रभावित होता है। मस्तिष्क संबंधी जितने भी प्रॉब्लम, अनमनापन, घबराहट, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, क्रैकनेस, पागलपन, यहां तक फिट की बीमारी का इलाज इस मुद्रा से संभव है। अब जिन लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, छोटे बच्चे तो ये शिकायत करते हैं कि हमें याद रहना बंद हो गया, जो पाठ पहले मैं 2 बार पढ़कर याद करता था अभी 10 बार पढ़ने पर भी याद नहीं होता है। लेकिन बड़ों की भी शिकायत रहती है कि अभी हमारी उम्र हो रही है हमें याद रहना बंद हो गया है, उन दोनों के लिए मुद्रा रामबाण है। जैसे ही हम ये मुद्रा करते हैं इसका कनेक्शन डायरेक्ट मस्तिष्क है तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और हमारा IQ स्तर बढ़ जाता है। तो ये मुद्रा बड़ों के लिए भी अच्छी है, बच्चों के लिए भी अच्छी है और बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में जो अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, व्यक्ति पल पल में भूल जाता है
दरवाजा बंद कर देता है, ताला लगाना भूल जाता है, ताला लगा देता तो चाबी कहीं रख देता है, तो अल्जाइमर जैसी बीमारी भी इस मुद्रा से ठीक हो जाती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्परेचर है, तो यह ज्ञान मुद्रा करने के बाद डीप ब्रीदिंग करिए, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करिए, तुरंत आपका गुस्सा इससे शांत हो जाता है। एक्यूप्रेशर के अनुसार यह मुद्रा करने से अंगूठे में पीनियल और पिच्यूटरी के स्थान आए हुए हैं, जिससे दोनों ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं, तो बहुत अच्छी मुद्रा है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद के लिए स्लीपिंग डोज लेने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए मुद्रा रामबाण है। और जिन लोगों को ज्यादा नींद आती है, देखिए ये दुनिया बड़ी अजब गजब की है, एक और नींद लेने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है, तो दूसरे और ऐसे भी लोग हैं जो कुंभकर्ण की तरह 12-12 बजे तक सोए रहते हैं, उन दोनों के लिए मुद्रा रामबाण है। अधिक नींद आती है तो कंट्रोल हो जाती है, और नींद नहीं आती है तो नींद आने लगती है। COVID-19 के इस माहौल में व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, तो यह मुद्रा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यह मुद्रा रोग नाशक भी है। तो यह मुद्रा नियमित करने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग और पावरफुल हो जाता है। माइंड से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग में भी यह मुद्रा अच्छा काम करती है। दूसरी बात, जो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। जिनका माइग्रेन है, आधा सीसी दर्द बोलते हैं जिसको, पहले ज्ञान मुद्रा करें आधा घंटा, फिर प्राण मुद्रा करें, थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इससे माइग्रेन की बीमारी से दूर होती है। दूसरी बात, इससे हमारा हृदय चक्र प्रभावित होता है। ये मुद्रा माइंड से रिलेटेड है, इससे वजन भी घटता है। अगर आपके दिमाग में सोच लिया, ऐसा एक भाई हमारे पास आया, मैंने उनसे कहा आप ये ज्ञान मुद्रा अगर नियमित करोगे इससे भी वजन घटता है, उन्होंने करना शुरू किया और एक महीने में लगभग 2-2.5 किलो वजन उनका कम हुआ। तो ऐसी कई बीमारियों में मुद्रा काम आती है। दूसरा, अगर चेहरे पर आप अच्छा ग्लो लाना चाहते हैं बिना किसी तरह का कॉस्मेटिक यूज किए, अगर ये मुद्रा आप नियमित करते हैं तो चेहरे पर अच्छा ग्लो आता है। तो ये मैंने थोड़े संक्षिप्त में बताए, लेकिन ये मुद्रा इतनी अच्छी है, इसमें कोई समय सीमा नहीं है, जितने चाहे उतने ये मुद्रा कर सकते हैं और बहुत अच्छी मुद्रा है। अगर आपको लंबे समय तक आप साधना के साथ ये मुद्रा करते हैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिससे बोलते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाता है इससे, लेकिन लंबी साधना के बाद। इसलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान में इस मुद्रा को विशेष स्थान दिया है। अब देखिए, अग्रभाग को टच करने पर ज्ञान मुद्रा बनती है, लेकिन इसी अंगुली के अग्रभाग को अगर अंगूठे के मूल भाग पर टच करते हैं तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। अगर किसी के शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ गया हो, वायु बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, तो यह मुद्रा करने से वायु संतुलित हो जाती है और बढ़ी हुई वायु कम हो जाती है। वायु संबंधी जितने भी रोग हैं, विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 80 प्रकार के वायु के रोग है, उनसे राहत मिलती है। जॉइंट्स पेन हो, चाहे घुटने के जॉइंट में पेन हो, चाहे अंगुली के जॉइंट, चाहे कोहनी का जॉइंट, कंधे का जॉइंट, किसी भी तरह के जॉइंट पेन में यह मुद्रा, वायु मुद्रा लाजवाब है। अब घुटनों का दर्द हो रहा हो और इस मुद्रा में अगर लाम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो अभूतपूर्व फायदा होता है। ये मुद्रा लगा लीजिए, मैं केवल 5 बार बोलूंगा, लाम 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 लाम, इस तरह 5 से 10 मिनट लाम मंत्र का उच्चारण करने से अच्छा लाभ होता है। यह मुद्रा प्राकृतिक पेन किलर की तरह काम करती है। जिस तरह बॉडी के किसी भी भाग में पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो पेन किलर गोलियां खाते हैं, उनको पेन किलर गोली खाने की जरूरत नहीं है। यह मुद्रा करने से दर्द में अच्छी राहत मिलती है। जब वायु का प्रकोप बढ़ता है तो जैसे घुटने में वायु का प्रकोप बढ़ा हमारे शरीर में, तो वहां का ब्लड लिक्विड सूख जाता है, तो यह मुद्रा करने से वह तुरंत नॉर्मल होने लगता है। गर्दन में अकड़न आ जाए, जकड़न आ जाए, तो उसके लिए ये वायु मुद्रा लगाने के बाद हाथ को आप सामने फैलाइए,
इस तरह, और यहाँ पर वात नाड़ी है, इसमें लोक लगाइए, तीन उंगलियां ऊपर रखिए, इसको गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाने पर आपको कटकट की आवाजें आएगी इसमें, इस तरह दोनों हाथों से आप बारी बारी से कर सकते हैं, तो गर्दन की अकड़न झकड़न सब इससे निकल जाती है। गैस के कारण कोई भी पेट में तकलीफ हो, खाने के बाद उल्टी होती हो, पेट में अफारा आ गया हो, पेट फूल जाता है, तो आप वायु मुद्रा के साथ वज्रासन में करने से पेट का जो अफारा होता है दूर हो जाता है। रक्त संचार में गड़बड़ी हो वायु के कारण, इससे रक्त संचार अच्छा होने लगता है, और हृदय रोग में भी ये मुद्रा अच्छा काम, जो रक्त वाहिनियों में सिकुड़ जाती है, ये मुद्रा करने से रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह अच्छा होने लगता है। एंजाइना पेन में भी ये मुद्रा अच्छा काम करती है। किसी को अचानक मुंह का लकवा हो जाए, मुंह पैरालिसिस हो जाए, जीभ लड़खड़ाने लगे, तो यह मुद्रा करने से फायदा होता है। और पैरालिसिस जिसको और भी अलग अलग भाषा में उसको लकवा भी बोलते हैं, अंग रह जाना ऐसा भी बोलते हैं, उस समय आप तुरंत अगर ये मुद्रा करते हैं तो बहुत फास्ट फायदा होता है, और इसके साथ प्राण मुद्रा करने से और अच्छा फायदा होता है। जिन लोगों को रुक रुक कर डकारे आती है, और डकारे भी आती तो कभी धीरे आती है, और धीरे 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 उसका प्रकोप बढ़ता जाता है, पहले केवल हमारे फ्लैट में सब सुनते हैं, फिर सीढ़ी में उतरने वाले सुनते हैं, और अगर रोड टच है तो रोड में जाने वाले भी डकारे, इतनी बड़ी बड़ी डकारे आती है, तो उसमें इससे राहत मिलती है। दूसरी बात, आप अगर गैस से छुटकारा पाना चाहते तो आप, या यूरिक एसिड हो गया है तो इसके साथ सभी प्रकार की दालें, मटर वगैरह जिनसे गैस होती है वो आप बंद कर दीजिए। बस में जाते समय, बस की यात्रा करते समय अगर आपको उल्टियां होती है तो यह मुद्रा करने से उल्टी नहीं होगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, स्लिप डिस्क में यह मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। तो वायु के रोगों के लिए यह मुद्रा बड़ी लाजवाब है, नियमित करने से अच्छा लाभ मिलता है। इसमें केवल हमें एक बात का ध्यान रखना है, रोग शांत होते ही मुद्रा हमें बंद कर देना चाहिए। अब मैं आपको तीसरी मुद्रा बताने जा रहा हूं। देखिए, वैसे एक मुद्रा पर कम से कम आधा घंटा बोला जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में बताऊं, और जिससे आपको ज्यादा बता सकूं, तो अलग अलग बीमारियों का मैं डेफिनेशन ज्यादा नहीं कर रहा हूं। आकाश मुद्रा, सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस तीनों उंगलियां सीधी, इसे कहते हैं स्काई पोस्चर। हमारे शरीर में जब आकाश तत्व असंतुलित हो जाता है तो यह मुद्रा करने से हमें अच्छा लाभ मिलता है। सबसे बड़ी बात, इससे हमारी भावधारा निर्मल होती है। इस दुनिया में सब भावों का ही खेल है। अगर भाव आपके अच्छे हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। मेडिकल साइंस में एक शब्द आया है और उसमें डेफिनेशन किया गया है, न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी। अर्थात यदि भाव आपके अच्छे हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपकी विचारधारा अच्छी है, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। वनस्पत, आपके भाव नेगेटिव है, भाव अच्छे नहीं है, नकारात्मक है, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डाउन हो जाएगी। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, भाव हमेशा अच्छे होने चाहिए। जैन धर्म में भाव का बहुत महत्व है। भाव के आधार पर मुरुदेवा माता को हाथी के उदय पर केवल ज्ञान हो गया, इला कुमार को नृत्य करते करते बांस के ऊपर केवल ज्ञान हो गया, ये भाव की करामात है। तो आप सब यदि हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भाव हमेशा आपके अच्छे रहे, पॉजिटिव रहे, फिर मुद्रा करिए, तो आपका रिजल्ट 10 गुना इससे अच्छा आएगा। ये मुद्रा करने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों में कटकट की आवाज आना, दांतों का हिलना, जरा से आप गड्ढे में गिरे और आपकी हड्डियां क्रेक हो जाए, उन सब के लिए ये मुद्रा अच्छी है। आपको आश्चर्य होगा, कैल्शियम के लिए लोग 2,500-2,500 रुपये महीने की दवा खाते हैं, लेकिन प्रकृति ने हमारा इलाज हमारे पास दिया है, हमारा डॉक्टर हमारे पास है। ये मुद्रा करने से ऑटोमेटिक हमारे शरीर में कैल्शियम का निर्माण होने लगेगा, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, कितनी अद्भुत घटना है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें। रोज प्रातःकाल सूर्योदय के 2 घंटे तक आधा घंटा हर व्यक्ति को सूर्य स्नान करना चाहिए, जिससे विटामिन डी की बहुत अच्छे ढंग से पूर्ति हो सके। जो लोग स्टीरॉइड और कोर्टिजन दवाइयां लेते हैं, अगर उनको साइड इफेक्ट होता है, तो ये मुद्रा करने से
उनको साइड इफेक्ट नहीं होता है। कान का दर्द, जो कान का दर्द शून्य मुद्रा से ठीक नहीं हो रहा है, कान में किसी भी तरह की तकलीफ हो तो यह मुद्रा करने से कान के दर्द में अच्छी राहत मिलती है। अब जिनके जॉइंट्स की ज्यादा तकलीफ है उसके लिए मैं बहुत अच्छी मुद्रा आपको बता रहा हूँ। हर्ष जी, राइट हैंड की थर्ड फिंगर, क्या हुआ? एक मिनट ब्रेक लेना चाहूंगा मैं। हाँ, विमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं बीच में उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप एक मिनट। नमस्कार। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। हेल्दी हमेशा के संस्थापक और हमेशा सबको जोड़ने का प्रयत्न करके हेल्दी हमेशा में सबको जोड़ा है और स्पेशल एम्बेसिडर बनाए, उसके हमारे विशेष आज अतिथि रूप में आज हमारे साथ डॉक्टर विमल जी जुड़े हैं। तो उनका समय बहुत कीमती है, उनको समय कम है फिर भी जुड़े हैं, तो उनको बीच में ही हमें आमंत्रित किया है आनंद मल जी ने। तो आइए विमल जी, आपके विचारों के साथ, कुछ लोग नए जुड़े हैं, कुछ लोग हमारे स्पेशल एम्बेसिडर में से हैं, तो आपके बारे जो भी आपके हमें मार्गदर्शन करना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं, वो कृपया प्रस्तुत कीजिए डॉक्टर विमल राठी। अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम के अंदर जोड़ा है और समय अनुसार आपने तुरंत के तुरंत मुझे इस प्रोग्राम के अंदर आमंत्रित किया, बिकॉज आज के दिन थोड़ा मेरा स्केड्यूल बहुत पैक था। मगर एक चीज मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आज पारसमल जी जो है इतना शानदार कार्यक्रम जो है लोगों के लिए लाए हैं, तो एक चीज बोलूंगा कि जब भी कोई वक्ता आता है तो आपको उन्हें सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, उसकी जानकारी कैसे मिलेगी? उसकी जानकारी ऐसे मिलेगी, अगर आप पारसमल जी को देखेंगे, इनके एज के अनुसार इनकी ऊर्जा का लेवल एकदम डिफरेंट है, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी आप उनसे बात करेंगे हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, हमेशा इनकी जिंदगी के अंदर ये जो बोल रहे हैं वो चीज का असर दिख रहा है। और अपने साथ में कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जो सभी लोग एक उम्र के बाद भी अपने आप को स्वस्थ भी रख रहे हैं, खुश भी रख रहे हैं, ये खुद जीता जागता उदाहरण है। दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक ज्ञान होता है किताबी ज्ञान जो प्रैक्टिकली किसी ने अप्लाई नहीं किया होता है और उसका असर उनकी जिंदगी में नहीं दिखता है, लेकिन अपने ग्रुप में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जो थियोरेटिकल ज्ञान है उसको पूरी तरह से प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारा है। अलका जी मान लीजिए, आनंदमल जी मान लीजिए, गुप्ता जी मान लीजिए, अपने जो भरत जी गुप्ता है, पारसमल जी मान लीजिए, तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो चीज लोगों को बोली है वो चीज जिंदगी में उतारी है। इसका मतलब है आपको उन डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो पहले से स्वस्थ हैं, जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी को सवारा है अपने प्रिंसिपल्स के जरिए। तो पहले तो ढेर सारी बधाइयां सभी जो अपने स्पेशल हेल्थ चैनल पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो बहुत ही अपनी अपनी क्षेत्रों में दिग्गज हैं। और जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट समुंदर है, भवसागर के समान आप इसको मान सकते हैं। भवसागर को पार करने के लिए जैसे एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपके हेल्थ को ठीक करने के लिए हर एक फील्ड के लिए ढेर सारे गुरुओं की जरूरत होती है। आज हमारे हेल्दी हमेशा ग्रुप के अंदर इतने बढ़िया गुरु हमारे पास हैं, वो भी अलग अलग क्षेत्रों के हैं, तो इसका लाभ आप सभी लोग उठाइए। अलका जी मुझे हर बार पूछती हैं कि सर थोड़ी और क्लैरिटी हमें चाहिए, थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, सारे कार्यक्रमों की जानकारी हमें मिलनी चाहिए, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, हेल्थ इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसमें डॉक्टर सिर्फ हार्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको हार्ट के बारे में जानने के अंदर 9-9 साल पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में सारे स्पेशल एम्बेसडर जो जुड़े हैं, मैं चाहूंगा आप अपने स्पेशल हेल्थ चैनल पार्टनर के साथ जुड़े रहें। और आज का दिन बहुत विशेष दिन भी है, क्योंकि आज एक बहुत वो डे है, आपको पता हो या नहीं पता हो, मगर आज है वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड थिएटर डे मतलब क्या है कि जो थिएटर आर्टिस्ट है वैसे तो वो लोग ये डे मना रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा वर्ल्ड थिएटर डे का अलग मतलब भी है कि ये वर्ल्ड एक थिएटर है,
मतलब यहाँ पे कई कठपुतलियां आती है, कई कठपुतलियां जाती है, लेकिन असली जिंदगी इस जिंदगी के पार भी है। और ये हमें, हमारे साथ जितने भी लोग स्पेशल हेल्थ चैनल पार्टनर जुड़े हैं, ये सभी लोग योग से जुड़े लोग हैं, और योग से जुड़े हुए लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। तो आप सभी को वर्ल्ड थिएटर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम आने वाले समय में दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम ला रहे हैं। आपको सभी को पता होगा कि मई के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे आने वाला है, और ये डे के तहत हम बहुत सी सूक्ष्मतम चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये डे हैबिट के रिलेटेड है। और आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावित कर सकती है तो वो हैबिट्स हैं। तो हैबिट के तौर पे ये दिन मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड नो टोबैको डे, 31 मई को है। तो हम वर्ल्ड नो टोबैको डे के पहले एक दिन सेलिब्रेट करेंगे, जिस दौरान हम करने वाले हैं मेगा मे असेंबली। मैंने सभी स्पेशल हेल्थ चैनल पार्टनर को इसके बारे में जानकारी भी दी है, और फिर उसके बाद में हम सेलिब्रेट करेंगे जून में, जो जून मेगा असेंबली रहेगी उसमें हम सेलिब्रेट करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट डेज। ये दो बहुत ही अहम दिन है, आप सभी जानते होंगे, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो कि जून में आने वाला है, और एक और बहुत ही खास दिन जून में आने वाला है, वो है इंटरनेशनल योग। सबसे ज्यादा अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा अगर कोई लोग हैं तो वो योग से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप सभी लोगों को ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट डेज जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसमें आप लोगों का योगदान होना चाहिए। सी, अगर आप पैसिवली रहेंगे लाइफ के अंदर, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। जब तक आप जीवंत नहीं रहेंगे, जब तक आप हर एक्टिविटी के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और जीवन का अनुभव जो भी नहीं करता है वो मरते समय हमेशा रिग्रेट के साथ मरता है कि यार कुछ तो चीज छूट गई है। आपकी आत्मा अंदर से आवाज देती है कि कोई ना कोई चीज छूट गई है, छूट गई है, छूट गई है। और वो चीज है आपका अगर लाइफ में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा तो आप मान के चलिए अंत में निराश ही होंगे। तो मैं चाहूंगा ये दोस्त जो कार्यक्रम आ रहे हैं इसमें सभी स्पेशल एम्बेसडर जरूर जरूर जुड़ें और अपने अपने स्पेशल हेल्थ चैनल पार्टनर्स के साथ में संपर्क में रहें। हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत पेचीदगी वाला सब्जेक्ट है, लेकिन अपने जो टीचर्स हैं, अपने जो साथ में पारसमल जी, आनंदमल जी, अलका जी, भरत जी, ये सारे फील्ड को इतना सरल बना रहे हैं मैं देख रहा हूं। जब सरलता पूर्वक आपको कोई चीज मिल रही है तो इसका पूरा लाभ उठाएं। और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे वर्ल्ड थिएटर डे के दिन इनवाइट किया, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए मैं आया हूं। वंस अगेन पारसमल जी, आप प्लीज अपना जो प्रोग्राम है कंटिन्यू कीजिएगा, बहुत बेहतरीन आप कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब आपकी जो ऊर्जा है इट इज इन्फेक्टिव। वन इन्फेक्शन इज बैड फॉर योर हेल्थ, अनदर इन्फेक्शन इज गुड फॉर योर हेल्थ। इन्फेक्शन पकड़ना ही है तो कोविड का मत पकड़िए, मगर जो गुरुजी, जो अपने साथ में इतने सारे गुरु हैं अपने ग्रुप में, इनके साथ जुड़े रहिए। इन्होंने अपनी नॉलेज को बहुत ही सरलता पूर्वक, हजारों गुलाबों में से एक बूंद इत्र निकलता है, ये इत्र आपके साथ अगर शेयर कर रहे हैं तो इस इत्र को आप अपने अंदर समावित कीजिए और इसी इत्र को लोगों तक भी फैलाइए। सो आई विश एवरीबॉडी इन दिस ग्रुप एन ऑसम हेल्थ, और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी हेल्थ चैनल पार्टनर्स को। आनंदमल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम के अंदर एंट्री दी। बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे लिए जो मार्गदर्शन दिया, ये हमारे बहुत काम का है और हमें आगे बढ़ने में एक ऊर्जा, एक शक्ति प्रदान करने वाला मार्गदर्शन आपसे हमें मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू अलका जी, वेलकम ऑलवेज। परेश जी, बहुत ही सुंदर जानकारी के लिए, सुंदर मार्गदर्शन के लिए आदरणीय राठी जी का के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं कंटिन्यू करता हूं। मैं बता रहा था शरीर के किसी भी जॉइंट्स की तकलीफ, जॉइंट एक नहीं होते, जैसे अंगुली में 3 जॉइंट है, कलाई का जॉइंट, इतने कितने जॉइंट है, किसी को संधिवाद हो जाए, जॉइंट की तकलीफ हो जाए, तो बहुत एक सरल और सुंदर मुद्रा बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। राइट हैंड की थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं,
लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे संधि मुद्रा कहते हैं। नियमित करने से जॉइंट्स की तकलीफ से छुटकारा मिलता है। देखिए एक बात आप जरूर समझ लीजिए, दलदल में पैर जमाए रखें, क्योंकि दलदल में कमल खिलते हैं, क्योंकि दलदल में कमल खिलते हैं। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बन जाने तक इंतजार करें, चलनी में पानी भी ठहर जाता है। तो ये चीज ऐसी है, अगर आप लगातार करेंगे तो जड़ से बीमारियां नष्ट हो जाती है, बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट से। दूसरी बात, इसका साइड इफेक्ट एक ही है, अनविजिबल बीमारियां भी, आने वाली बीमारियां भी कई ठीक हो जाती है। संधि मुद्रा बहुत अच्छी है। हम जब भोजन करते हैं तो अचानक कभी कभी श्वास नली में भोजन का कण चला जाता है, और कभी कभी कोई बड़ा कण चले जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो अगर भोजन करते समय लेफ्ट हैंड से हम आकाश मुद्रा करते हैं तो ये श्वास नली में भोजन का कण जाने का डर नहीं रहता है। तो ये बहुत अच्छी है, और इस खतरे से हम बचे रह सकते हैं। हृदय के लगते कोई भी रोग में, चाहे एंजाइना पेन हो, पल्स रेट बराबर नहीं हो, ब्लड प्रेशर हाई लो हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी बात, जो विकलांग बच्चे हैं, शारीरिक रूप से विकसित नहीं है, उनके लिए भी ये आकाश मुद्रा बहुत जोरदार काम करती है। हमारे शरीर में कब फंसा हुआ हो, कहीं भी गले में कब अटका हुआ हो, कब को निकालने के लिए आकाश मुद्रा बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और ये विशुद्धि चक्र से रिलेटेड है, विशुद्धि चक्र से इसका संबंध है। तो खांसी में या गले में खड़खड़ की आवाज आती हो तो यह मुद्रा करने से आवाज बंद हो जाती है। इसी अंगुली से माला फेरने का विधान भी आप सब जानते हैं, माला में 108 मणके होने चाहिए। लाल कलर की माला रोग निवारण में काम आती है, सफेद रंग की शांति में काम आती है। तो इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुद्रा विज्ञान का ये मानना है कि जिस तरह इसमें माला फेरने का विधान है, उस तरह चरण स्पर्श का एक अच्छा विधान है। हम लोग चरण स्पर्श करते हैं, एक जमाना था हम पैरों को छूते थे, फिर धीरे धीरे ऊपर आ गया, अब तो हम ऐसे चरण स्पर्श करते हैं, वो जमाना नहीं है। रियल में हमारा मस्तक माता पिता के चरणों में टिक जाना चाहिए, अंगूठों पर लग जाना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करते हैं बहुत से लोग। हमारे घर में तो आज भी ये सिस्टम है, आनंद जी को वो सीन याद होगा, नागपुर में जब प्रोग्राम था और चरण स्पर्श कैसे किया जाता है। आनंद जी को मैंने स्टेज पर बुलाया और उनके चरणों में मैंने सिर टिकाया और लोगों को बताया था कि इस तरह चरण स्पर्श किया जाता है। देखिए एक बात सुनिए, जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता है, जो माँ के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता है, जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता है, जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता है, और जो गुरु के चरणों को छूता है वह जिंदगी में सब कुछ पा लेता है, जिंदगी में सब कुछ पा लेता है, उसके जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता है। तो चरण स्पर्श अगर आपके घरों में नहीं है तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, मुद्रा विज्ञान के अनुसार हाथों को क्रॉस करके चरण स्पर्श किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है तो हमारा राइट हाथ से राइट पैर का अंगूठा, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा टच होता है। जो उनके पैरों से ऊर्जा निकलती है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। और आप सब में से काफी लोग कोई जैन धर्म से जुड़ा है, अनेक धर्म से जुड़े होंगे। हम सब जब गुरुदेव नागपुर में विराज रहे हैं, कितना देखिए आज एक अच्छा मौका है, नागपुर के वालों ने प्रेक्षा ध्यान केंद्र के मार्फत ये कार्यक्रम रखा और पूज्यवर नागपुर में विराज रहे हैं। जब हम पूज्यवरों के चरण स्पर्श करते हैं तो राइट पैर के अंगूठे पर सिर टिकाते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा का अथाह प्रवाह होता है। आप अपने घरों में चरण स्पर्श स्टार्ट करिए, बड़ों के चरण स्पर्श करेंगे तो इतना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, एक महीने में आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी, तो जरूर स्टार्ट करिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, पृथ्वी मुद्रा, थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस तीनों अंगुलियां सीधी, इसको कहते हैं पृथ्वी मुद्रा, शक्तिवर्धक मुद्रा, एनर्जेटिक मुद्रा, और यह आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है। इससे हमारी शुद्ध भावना होती है और अदृश्य शक्ति का जागरण होता है। ये आज्ञा चक्र देखिए, आज्ञा चक्र जिसे प्रेक्षा ध्यान में दर्शन केंद्र कहते हैं, जब हमारे घर में हम किसी को तिलक निकालते हैं तो पहले रिंग फिंगर से टिक्की लगाते हैं और फिर अंगूठे से तिलक निकालते हैं, सामने वाले के अंदर अपनी शक्ति को संप्रेषित कर सकते हैं। तो यह तिलक निकालने की प्रथा हमारे भारत में ही बहुत अच्छी प्रथा है,
दूसरी बात, जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, जो जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है, जिनकी पर्सनालिटी नहीं है, जो चाहते मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, मेरा शरीर भी अच्छा हो, तो यह मुद्रा जरूर करिए, उनका निश्चित तौर से वजन बढ़ेगा। लेकिन उन लोगों से कहना चाहूंगा जो पहले से ही मोटे ताजे, वो ना करें, क्योंकि इससे निश्चित वजन बढ़ता ही है। बहुत शक्तिवर्धक मुद्रा है, और जहां तक मैंने अनुभव किया है, मार्केट में जितने भी टॉनिक मिलते हैं उन सब में पावरफुल टॉनिक है पृथ्वी मुद्रा। दूसरी बात, आपको आश्चर्य होगा, विटामिन की कमी से कई तरह के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। यह पृथ्वी मुद्रा करने से विटामिन की पूर्ति होती है, जीवन शक्ति यानी वाइटल फोर्स हमारे भीतर तैयार हो जाती है, और इससे जो अध्यात्म की ऊंची उड़ान भरना चाहे तो ये मुद्रा जरूर करिए। एनर्जी आती है, इससे शक्ति बढ़ती है। कई बार हमने देखा, आपने भी सुना होगा, कई बहनें ये शिकायत करती है कि मेरा बच्चा सुबह से शाम तक खाना खाता है, कितनी चीजें खाता है, उसका खाना किधर चला जाता है, उसका शरीर नहीं बनता है, क्योंकि उसकी पाचन क्रिया बरोबर नहीं होती है, पाचन शक्ति कमजोर है। अगर ऐसे बच्चों को ये मुद्रा करवाई जाए तो उनकी पाचन शक्ति पावरफुल होती है और उसका वजन निश्चित तौर से बढ़ेगा। वैसे मूलाधार चक्र का संबंध पृथ्वी तत्व से, मूलाधार चक्र का विशेष संबंध है, तो इससे रिलेटेड, मूलाधार से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां है या जो भी ऑर्गन से जुड़े हुए, तो ये मुद्रा करने से वो एक्टिवेट होते हैं। और ये मुद्रा करने से प्रोस्टेट का शोध, प्रोस्टेट का जो दर्द होता है उसमें राहत मिलती है, हर्निया की बीमारी में लाभ मिलता है। इससे बाल, नाखून, इसे देखिए, मेरे तो बाल नहीं है सिर पे, क्यों, जब तक मैं इसमें एक्सपर्ट हुआ जाना, उसके बाद मेरे बाल जितने हैं उतने सलामत है, लेकिन जो पहले क्रिकेट का ग्राउंड बन चुका था वो बन चुका था। तो ये मुद्रा करने से बालों में अच्छा ग्रोथ होता है और बाल सफेद नहीं होते हैं, नाखून अच्छे, इससे नाखून एकदम अच्छे हो जाते हैं, नाखून में भी कई विकृतियां आती है, ये मुद्रा करने से विकृतियां दूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत से बच्चे ये कहते हैं हमारी लंबाई नहीं बढ़ती है, हम ठिगने हैं, हमारी लंबाई बढ़नी चाहिए, और लड़कियां जब ज्यादा ठिगनी होती है तो सगाई में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए मुद्रा बहुत अच्छी है, ये मुद्रा करिए, और इसके साथ ताड़ासन नियमित रूप से करिए, इससे लंबाई बढ़ती है। जिन लोगों को एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, ये मुद्रा करिए, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और इसके साथ एक ग्लास कोतमीर हरा धनिया का जूस, उसमें 2 चम्मच शहद डालकर पीजिए, इससे भी हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये मुद्रा करने से लौह तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन की कमी दूर हो जाती है, तो ये मुद्रा बहुत पावरफुल है। पैरों का जो दर्द होता है, क्योंकि पैर हमारे पृथ्वी से टच रहते हैं, तो पृथ्वी तत्व का परास्थल पैर के तलों से लेकर गुदा द्वार तक है, तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है, एनर्जेटिक मुद्रा है, इससे करके आप कई बीमारियों से फायदा पा सकते हो, बीमारियों से निजात पा सकते हो। और अभी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, COVID-19 का माहौल चल रहा है, तो ये मुद्रा बहुत अच्छी है। हाँ, तो आनंद जी, घड़ी में 10 में 10 का मैं चल रहा, तो क्या करूं? नहीं, अभी प्रश्नोत्तर ही लेंगे, प्रश्नोत्तर लेंगे तो ले लीजिए, घंटों घंटों बोला जा सकता है। एक घुटना रोग नाशक मुद्रा, घुटना रोग नाशक मुद्रा है या पारस मुद्रा के बारे में जरूर बताइए। हाँ चलो, ये बता देता हूँ, फिर प्रश्न आंसर करते हैं। देखिए, न केवल बम्बई में, न केवल भारत में, पूरे विश्व में घुटने की बीमारी के लाखों लाखों पेशेंट है, और हजारों हजारों लोग अपने घुटने के नी रिप्लेसमेंट, घुटने का ऑपरेशन करा चुके हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपको नी रिप्लेसमेंट कैंसिल करना है, घुटना का ऑपरेशन नहीं करना है, तो गुरुदेव की कृपा से मेरे स्वयं के द्वारा ऐसी मुद्रा की रिसर्च की गई है जिसका नाम पारस मुद्रा है, वह करने पर घुटने के ऑपरेशन से छुटकारा मिल सकता है। घुटने की किसी भी तरह की बीमारी हो, जैसे कॉर्टिलेज घिस गया हो, हड्डियों में गैप हो गया हो, चोट लग गई हो, वायु के कारण लिक्विड सूख गया हो, लिक्विड जमा हो गया हो, सभी तरह की बीमारियों में पारस मुद्रा 9 है, 2-3 के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आप जरूर देखिए। अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं, पहली मुद्रा बता रहा हूं,
हाथ सीने से लगा दें, अंगुलियों को घर्षण करते हुए बाहर निकालिए हाथ इस तरह धीरे धीरे स्लोली स्लोली, एक दो तीन, इस तरह 25 बार करिए। 25 बार करने के बाद इसको दबा दीजिए आप, तो अगली मुद्रा करने के लिए आपकी उंगलियां तैयार हो जाएगी। अब पारस मुद्रा, समय कम है इसलिए मैं कम बार बता रहा हूं, अंगुलियों के अंदर की ओर फंसाएं आप, अंदर इनसाइड, और इसको भी सीने का सहारा दें, उंगलियां सीधी कर दें। अब धीरे धीरे देखिए, जिनके घुटने में दर्द होगा तो उंगलियों में जरूर दर्द होगा, आप चेक करें, बाहर निकालिए धीरे धीरे पूरा घर्षण करते हुए स्लोली स्लोली इस तरह, एक दो तीन चार पांच, ये कम से कम 25 बार करना चाहिए और दिन में 3 बार करना चाहिए, फिर इसे दबा दीजिए आप। केवल 2 मुद्रा और बताऊंगा, वैसे 9 मुद्रा है, अभी एक मुद्रा का रिसर्च और हो गया, अभी 9 हो गई है। तीसरी मुद्रा बता रहा हूँ जो बेहद इफेक्टिव है, इंडेक्स फिंगर को फ्री कर दीजिए आप, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स को राइट हैंड की 4 अंगुलियों से लेफ्ट हैंड की 3 अंगुलियों के बीच वाले पोरों को पकड़ें। अब इस तरह आप रब करिए, इस तरह रब करिए आप, देखिए आप अंगुलियों में बहुत जबरदस्त दर्द होगा, बीच वाले पोरों में बहुत अच्छा दर्द होगा। 2 मिनट से 5 मिनट तक इस तरह रब कर सकते हैं, इसी तरह राइट हैंड में करना है ये। पांच मिनट तक, 2 से 5 मिनट तक, 3 मुद्रा हो गई, 1/4 मुद्रा अंगुलियां फंसाएं और पे कर दें, और इस तरह आप घुटनों के, कुर्सी पर बैठे तो घुटनों के बीच में दबा दीजिए, या ऐसे आप गोदी में रख के बैठ सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारा चैनल है एडवांस योग भाई पारस मलदुगर यूट्यूब चैनल, उस पर आपको लगभग 1000 वीडियो, तो घुटनों के भी वीडियो मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं। बाकी चारों मुद्राएं करने पर आपको घुटनों के दर्द से बिल्कुल राहत मिलेगी, ऑपरेशन भी कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है आनंद जी, आप ले लीजिए। जय जिनेंद्र पारस जी, मनीष बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मनीष जी, आपका विजिटिंग कार्ड अंदर डाला हुआ है, सबको बता दीजिए प्लीज। हाँ बॉक्स में। अच्छा अच्छा, हाँ अगर किसी को जरूरत हो तो, इसमें मनीष जी बता रहे हैं कि मेरा विजिटिंग कार्ड डाला हुआ है, तो आप वो उसमें आप देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल्स जानकारी देख सकते हैं। ठीक है मनीष जी, थैंक यू। आपके बारे में एक जो मुद्रा विज्ञान की किताब है उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। हाँ देखिए, मुद्रा विज्ञान की 2 पुस्तकें मेरी, ये है मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा, दूसरी है असाध्य रोगों का अचूक इलाज जो अलका जी ने बताया था। ये बुक 6 भाषा में है, हिंदी मराठी गुजराती अंग्रेजी तमिल और मलयालम। अगर आप किसी को जरूरत हो तो आनंद जी से संपर्क करिए, मैं नागपुर भिजवा दूंगा आनंद जी के यहाँ, और अलका जी के पास दिखाएंगे, तो अगर सूरत में किसी को जरूरत है तो अलका जी के पास मैं भिजवा दूंगा। ठीक है सर, सभी अपने वीडियो ऑन करें ताकि पता भी चले, और कुछ फोटो भी आनंद भाई साहब ले सकेंगे, तो कृपया अपने वीडियो भी ऑन रखें। अभी मैं सभी के ऑप्शन चालू कर रहा हूँ, कृपया सवाल पूछने के बाद वापस अपने आप को म्यूट कर ले, जिनको पूछना हो म्यूट करें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, मुझे पूछना है कैंसर के लिए कोई मुद्रा है? हाँ, किस टाइप का कैंसर है मैडम? ये कही के गो ब्रेस्ट कैंसर था तो, लेकिन cancer. सभी शरीर में फैल गया है। अच्छा, तो एकदम आपकी 4th-5th स्टेज चल रही है। फिर भी देखिए, मैं 1-2 मुद्राएं बताता हूँ, आप करिए, उससे आपको फायदा होगा। एक तो प्राण मुद्रा दिन में 2 घंटा करिए आप, थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक ये करिए पंकज मुद्रा, स्मॉल फिंगर को मिलाएं, अंगूठों को मिलाएं, पंकज की आकृति बन जाती है। ठीक है, अच्छा। और एक करिए आप मात्रिक मुद्रा, फोर फिंगर और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाएं, दोनों मुद्रा को मिला दीजिए और इस तरह करिए, ये 10-10 मिनट दिन में 3 बार करिए। अच्छा ठीक है, और ज्यादा जानकारी का वीडियो भी है मेरा चैनल पर, देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू।
वेलकम। बहुत सुंदर बताया आपने जानकारी। सर जय जिनेंद्र, मैं ये पूछना चाह रही थी पांचों तत्व एक की कोई ऐसी मुद्रा हो जिससे पांचों तत्व बैलेंस में रहे। हाँ बिल्कुल है, समन्वय मुद्रा, पांचों अंगुलियों को मिला दीजिए, पांचों अंगुलियों को, ये समन्वय मुद्रा। ये किसी भी समय कर सकते हैं क्या, कितनी भी देर कर सकते हैं क्या? हाँ 10-15 मिनट तो कर सकते हो आराम से आप। अच्छा, इससे हमेशा स्वस्थ रहने के, देखिए हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आप देखिए दो बात सुनिए, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्राण मुद्रा करें, अपान मुद्रा करें और ज्ञान मुद्रा करें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, साथ में योगाभ्यास भी करें। हाँ योगाभ्यास, प्राणायाम वो भी करें, मेडिटेशन भी करें। जय जिनेन्द्र सर, मैं सुचेता गांधी। बहुत सुंदर इतनी से आपने मुद्राएं दिखाई। एड़ियों में दर्द क्या है सर? एड़ियों में दर्द के देखिए, एड़ियों का दर्द ऐसा है जो हमें समझ में नहीं जाता है, फिर भी एड़ी बाकी लोग अपना म्यूट म्यूट कर देते हैं। ऑडियो म्यूट कर दीजिए बाकी लोग। आंटी थोड़ी हाँ, सबसे निवेदन अपना ऑडियो अनम्यूट कर दिया, पूछने वाले का वही अनम्यूट रहे। एड़ी के दर्द में एड़ी पर गर्म ठंडा पानी का सेक करिए, एक लोटा गर्म पानी एक लोटा ठंडा पानी। उसके अलावा पैरों की जो एक्सरसाइज है, पैरों की एक्सरसाइज वो आप रोज करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और खड़े रह के पंजों के बल एड़ी के बल खड़े रहिए आप, ठीक है? और ये जो मुद्रा कर रहे हैं आपको पारस मुद्रा से भी एड़ी में फर्क पड़ता है, सब मुद्रा करने से। म्यूट करके नहीं, अनम्यूट करके बोलो ना। अनम्यूट करके बोलना ना। तो म्यूट नहीं, मतलब म्यूट पे आ गया। सर आंखों के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं हो? आंखों के लिए प्राण मुद्रा लाजवाब है और आंखों की एक्सरसाइज करिए रोज। ये प्राण मुद्रा से चश्मे के नंबर भी कम होते हैं और आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। रेटिना इत्यादि भी देखिए, रेटिना में तो देखिए ऐसे उसकी स्थिति क्या है, आप उसमें सूर्य मुद्रा कर सकते हैं लेकिन एक साल तक करनी पड़ेगी, आपको इंतजार हो तो देखिए आप, नहीं तो उसका रेटिना ऑपरेशन करना ही पड़ता है उसका। फिर भी करने में कोई नुकसान नहीं है, करने आप देखिए ट्राई करिए, जरूर फायदा होगा। लंबाई के लिए आपने और क्या बोला, मुद्रा और क्या बोला उसके साथ करना है? ताड़ासन। वो क्या रहता है? खड़े होने का, हाथों में लोक लगा के पंजों के बल खड़े होके हाथों को ऊपर लेके खिंचाव देने का, हाथों को ऊपर से। ओके, केंद्र चलते हैं, आनंद जी का केंद्र चलता है उसमें बताते हैं, आप जुड़िए उससे जुड़िए तो सब जानकारी मिलेगी। अच्छा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, मुझे बॉम्बे में यदि आपकी किताब चाहिए तो कहाँ से मैं ले सकती हूँ? कांदिवली से ले सकते हो। कांदिवली में कहाँ पर आप बताइए? कांदिवली में मेरा नंबर दे, कांदिवली में आप ईस्ट में अशोक नगर या हनुमान नगर आप फोन करके पूछिए, बाद में आपको बता दिया जाएगा एड्रेस या कोरियर से भेज दिया। फोन नंबर से कॉन्टेक्ट लेना, कुरियर से मंगवा सकते हो आप। हाँ तो नंबर आप कहाँ पर मिलेगा आपके, दे दीजिए एक बार। अभी इसमें विजिटिंग कार्ड डाला है, उस पे नंबर है, विजिटिंग कार्ड डाला है। ओके जी, थैंक यू सो मच। विजिटिंग कार्ड एक बार स्क्रीन पे विजिटिंग कार्ड बता दो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय जितेंद्र जी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ मुझे ये पूछना था कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज है, सेकेंड मंथ है, उसको बहुत ओमिटिंग हो रही है, कुछ जा भी नहीं रहा है, एसिडिटी भी थोड़ा, और गैसेस भी हो रहा है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, तो फिर उनको कौन सी मुद्रा देनी चाहिए? उनके लिए तो एक वायु मुद्रा कर सकते हो, वायु मुद्रा अंगूठे के मूल भाग पर, और ये लेफ्ट हैंड मेरा जो दिख रहा है ना, यहाँ पर ग्रीन कलर लगा सकते हो, यहाँ पर ग्रीन कलर। अच्छा, ग्रीन कलर का जैसे मेहंदी लगाते हो ना, ऐसा राउंड लगा दीजिए ग्रीन कलर। अच्छा, और आखिरी में फिर दूसरे तीसरे महीने में आखिरी तक कौन सी मुद्रा देनी चाहिए कि बच्चा अच्छा स्वस्थ हो? चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होवे, तो आपको 3 आसन करना है, छाछ बिलोना, चक्की चलाना और ताड़ासन। अच्छा, और उसके बाद 9वें महीने में अपान मुद्रा कर सकते हैं, 9वें महीने बाद, जैसे 9वां महीना लगता है या फिर
8.5 महीने के बाद आप अपान मुद्रा कर सकते हैं, बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं इस तरह, इससे डिलीवरी नॉर्मल होती है इससे। बीच में नहीं करना चाहिए, आप ध्यान रखना 8.5 महीने के बाद बीच में किया तो इसमें बहुत खतरा रहता है, 8.5 महीने के बाद कर सकते हो। प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं क्या? प्राण मुद्रा हाँ, प्राण से एनर्जेटिक है, उससे कोई नुकसान नहीं है, वो एनर्जेटिक है एनर्जी के लिए। पूना से बात कर रही हूँ, किशोरी वर्मा नाम है मेरा, तो योगा टीचर, योगा के एग्जाम भी दिए काफी, आपका बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत नॉलेज इम्प्रूव हुआ और नॉलेज प्राप्त किया। आपका कुछ कॉन्टेक्ट मिल सकते है, कुछ बातें पूछनी होगी तो सर? मैंने बोला ना अभी आपको, वो मनीष जी ने सैंड बॉक्स में मेरा विजिटिंग कार्ड डाला, उसमें सब डिटेल्स मैंने चेक किया, दिख नहीं रहा वो मनीष जी। मैं कहां से मुझे मिल सकते हैं? उसका नंबर सभी ग्रुप में डाल दूंगा मैं। हां तो आज आनंद जी डाल देंगे, आनंद जी नंबर डाल देंगे आप, ठीक है? ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। जय येंद्र सर, बहुत शुक्रिया। पप्पू इधर पहुंचिए, पप्पू एक बोलिए सर, भोजन शोल्डर के लिए मुद्रा कौन सी है? इसके लिए भोजन शोल्डर, नहीं ये ठीक से हाँ देखिए कर रहा है ना आपको, मेरा हाथ दिखाई दे रहा, मेरा हाथ हाँ दिख रहा है अभी, हाथ हाथ खोलिए, इसको डमरू बनाइए, दोनों धागे लंबा करके, नाश्ता भी नहीं करो, बैठ के ले जाओ डमरू बनाइए, धीरे धीरे करिए, जमता ही नहीं, कुछ भी काम करो नहीं जम। बहनों जो बहन काम करती है उनको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। आनंद जी टेनिस एल्बो बारे में तो काफी लंबा चौड़ा है, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे है टेनिस एल्बो का स्पेशल, वो देखेगी तो उसमें काफी चीजें बताई है, ठीक हो जाएगी उससे। एक दो एक्सरसाइज वो अलग टाइप से, तो अभी नहीं बता पाऊंगा जगह या जगह के हिसाब से। ओके तो हम टेनिस इनको बता दिया, आप एडवांस योग भाई पारसमल दुग्गर यूट्यूब चैनल पर जाकर टेनिस एल्बो का वीडियो रिसर्च करिए तो मिल जाएगा। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि अगला जो आपका बूट कैंप टेनिस एल्बो पे लिया जा सकता है, खाली टेनिस एल्बो पे, अलग अलग डिजीज पे ले सकते हैं, दो तीन डिजीज, ठीक है ले लेंगे। संधिवाद के लिए भी है क्या आपका वीडियो? अभी हर चीज का है, सब चीज का है, संधिवाद के लिए मैंने बताया ना अभी मुद्रा आपको सब, तो लेफ्ट हैंड का ये वाली मुद्रा ना, हाँ संधि मुद्रा, ये देखिए ये राइट हैंड की थर्ड फिंगर, लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर, ये संधि मुद्रा, इसका नाम ही संधि मुद्रा है। ओके सही है ना? पारस मुद्रा करिए, पारस मुद्रा से भी संधि बार ठीक होता है, ठीक है आनंद जी? बहुत बहुत सुजन के लिए है कोई? जय जिनेंद्र सर, सुजन के लिए कुछ बोले? सुजन के लिए कुछ है? सुजन के लिए, सुजन के लिए बहुत अच्छा। मैं पूछना चाह रही थी कि अल्जाइमर्स के सुधार के लिए भी कोई योग मुद्रा है क्या? अल्जाइमर के लिए ज्ञान मुद्रा। अच्छा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से मिला, ये इससे अल्जाइमर ठीक हो जाता है। सुजन बता दीजिए। हाँ सुजन के लिए देखिए, सुजन के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है, और सुजन के लिए इससे अच्छा इलाज जहां तक मैंने अनुभव किया दुनिया में कुछ भी नहीं है, 4 फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाए, ये सुजन के लिए रामबाण इलाज है। और फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, सेंस तीनों उंगलियां सीधी, ठीक है? अब हुआ है कई लोगों का हाथी पाव जो बोलते हैं, हाथी पाव उससे भी देखिए, एलिफेंटाइटिस जो हाथी पाव होता है, अगर स्टार्ट में ये मुद्रा करते हैं तो वो बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे कम होने लगता है वो भी। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी आपका, आपने अमूल्य समय निकालकर हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, और हमको जो अनमोल बातें आपने बताई उसका निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा, और हमारे जो जुड़े हुए हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा
कि आज की जो क्लास का वीडियो हम ग्रुप्स में डालेंगे, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इस वीडियो को देखें और उनका इस कार्यक्रम का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचे। तो अब अपन की ओर चलते हैं, दोनों हाथ जोड़िए अपने आनंद केंद्र पर, इधर बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखे। एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, मुद्रा की बात चल रही है तो जब भी आप खड़े हो बैठते हो तो आपकी मेरुदंड हमेशा सीधा रहना चाहिए, इससे हमारी आधी बीमारियां दूर हो जाती है। मेरुदंड सीधा रखना है, सीधे बैठना है, साथ साथ बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है, उसका साक्षात्कार करना ही, उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि, हम सब के आभारी, कृतज्ञोस्मि, हम सब के भी आभारी हैं। सर कोई आनंद जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, इतना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े, के प्रति आभारी। सर कोई चित्र दिखाते हुए उंगलियों का पोस्टर भी मिले तो अच्छा है। हाँ तो बुक है ना, इसकी बुक है ना, बुक सर पुणे में कहाँ मिलेगी को बता दीजिए, आनंद जी को तो वहाँ भिजवा दी जाएगी। पुणे में कहाँ पे मिलेगी? पुणे में नहीं मिलेगी भाई, कुरियर मंगाने पड़ेगी। ओके ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बात की।